In 4 years, it's simple interest. The principal increases by 12%. तो आपको बताना क्या है कि कैलकुलेट द अमाउंट रिसीव्ड एट द एंड ऑफ टू ईयर्स ऑन ₹20,000 एट द सेम रेट कंपाउंडेड एनुअली. करें 4 वर्षों में मूलधन 12% से बढ़ जाता है. वार्षिक चक्रवृद्धि रूप से उसी दर पे ₹20,000 पे 2 साल के अंत में प्राप्त धनराशि की गणना करें. देखिए पहली चीज तो आपको यहां से मिल जाएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट. मिलेगा कि नहीं मिलेगा? रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका कितना हो गया जरा बताइए. आप कहोगे रेट ऑफ इंटरेस्ट यहां पर आएगा 3% का पर एनम. कंपाउंडिंग करनी है ना, करते हैं. लेकिन जरा एक चीज देखो आप ध्यान से. ऑप्शन में मुझे कुछ लग रहा है कि आसानी से चीजें हो सकती हैं. अगर ऑप्शन को देखा जाए, देखिए 20,000 है, आपने 3% लगाया. अब देखो अगर मैं सिंपल इंटरेस्ट की बात करता तो 6% का इंटरेस्ट मिलता, 6% का इंटरेस्ट मिलता कि नहीं मिलता? तो 6% का अगर इंटरेस्ट मिलता तो मुझे ₹1,200 का इंटरेस्ट मिलता, राइट? तो आप जरा ध्यान से देखो, अगर मैं बात करता उस इंटरेस्ट की जो ₹1,200 का इंटरेस्ट मिलता मुझे 2 साल के लिए, अगर मैं सिंपल इंटरेस्ट की बात करता तो वो वैल्यू आ जाती 21,200. आती कि नहीं आती? बिल्कुल आती. तो ₹21,200 होता सिंपल इंटरेस्ट पे 2 साल में. देखो अब इससे हुआ क्या कि जो वैल्यूज दी हुई है 21,632, 21,218 ऐसे करके दी हुई है. मुझे पता है कंपाउंड इंटरेस्ट का केस है तो वैल्यू 6% से थोड़ा सा ज्यादा होगी, राइट? लेकिन उस थोड़ा सा ज्यादा का क्या मतलब है ये मुझे समझना है. आप मुझे बताओ कि अगर आपने 3% को 4 बार लिया, 3% को आपने 2 बार लिया, 3% और 3%, है ना, तो इनका जो रिजल्टेंट होता है वो आपको पता है 6.09% का होता है. यानी आपका ये 6% आपको लिखा हुआ है, आपको 0.09% और ऐड करना है. मैं आपसे पूछूंगा 0.09% क्लोजर टू 0.1% होगा कि नहीं होगा? 0.09 मतलब क्लोजर टू 0.1%. अब जरा 20,000 को आप देखना, और अगर 0.1% की बात करूं तो 1% आपका 200 है, 0.1% आपका 20 के आसपास होगा. यानी आपका जो आंसर होगा ना वो कहीं दूसरे ऑप्शन के अलावा कुछ भी नहीं हो सकता. मैं कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूं, आप भी मत करिएगा, ठीक है? ऐसी चीजें हो जाती हैं आसानी से. फिर से समझा देता हूँ कि 4 साल में सिंपल इंटरेस्ट अगर 12% है तो 3% का इंटरेस्ट हुआ पर एनम. 2 साल कंपाउंड इंटरेस्ट की बात कर रहा है लेकिन मैं सिंपल इंटरेस्ट के टर्म्स में सोच रहा हूँ. तो सिंपल इंटरेस्ट 2 साल का कितना होगा? आप कहोगे कि सिंपल से बात है 6% लगाना है, 1% आपका 200 होगा, 200 × 6 निकाल लिया, ₹1,200 हो गए. 1,200 उसमें जोड़ दिया, 21,200 मैंने लिख दिया. अब मैंने कहा कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट होगा टोटल वो कितना होगा? 6.09% का होना चाहिए. 6% मिला के इतना हुआ, 0.09% और चाहिए सर. मैं कहूंगा सर 0.1% जो होगा, मतलब जो इसके बहुत करीब है 0.1%, वो 20 के बराबर है. तो 0.09% क्या होगा? 20 से थोड़ा सा ही कम होगा. यानी जो आंसर आपका आने वाला है वो ये देखो, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता. ये तो बहुत बड़े बड़े ऑप्शन लिखे हुए हैं. आप देखो ना 20 से लेके और यहाँ पर 22 में ना 22% से ज़्यादा वैल्यूज लिखी हुई हैं. कंपाउंड इंटरेस्ट पर 3% अगर आपने 2 बार लगाया तो 22% कहाँ से आ जाएगा? नहीं आएगा, समझ रहे हो आप? तो ये बहुत ही वाहियात ऑप्शन थे, इनको रिजेक्ट करना चाहिए था आपको, ठीक है? ये हो ही नहीं सकते. आप इवन सिंपल इंटरेस्ट देखो, 4 साल का इंटरेस्ट 12% है. अगर आप 12% लगा दो 20,000 पे तो ₹2,400 जुड़ेगा, समझ रहे हो? मतलब ये दोनों ऑप्शन अगर आप 4 साल का सिंपल इंटरेस्ट उठा के लगा दो ना, तब जाके जो है ये वैल्यूज कहीं मैच करती हुई दिखेंगी, इस रेंज के पास पहुंचेंगे. लेकिन यहाँ तो बात 2 साल के कंपाउंड इंटरेस्ट की हो रही है, बहुत पास में होगा, तो इसलिए आसानी से आंसर आ सकता है बिना समस्या के. उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा.